और इस्लाम को पूरी दुनिया में इंशाल्लाह फैलाएंगे, दावत के काम को फैलाएंगे इंशाल्लाह। इन लोग के साथ मिलकर मुझे बहुत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरीके के नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हाय गाइस, दिस इज़ अली। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अली सर व्लॉग में। तो देख सकते हैं आप कि हम लोग पातूर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं पातूर की एक बहुत ही पुरानी और कदीमी मस्जिद जिसका नाम है चमन मस्जिद। चमन मस्जिद अपनी पिलर्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसको अब बहुत मॉडर्न भी कर दिया गया है, इसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई भी किया जा रहा है, मगर इसके अभी कुछ पार्ट्स को वैसे ही रखा गया है। उसका कारण यह है कि ये इसकी खूबसूरती है। तो यहाँ पर एक दारुलूम भी चलता है, एक मदरसा चलता है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप आगे देखोगे इंशाल्लाह तो मैं आपको बताऊँगा, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, हिफ्ज़ करते हैं। ये मेरे सामने यहाँ पर मौलवी साहब भी मौजूद हैं। ये पूरा प्रेमाइसिस है चमन मस्जिद का। छोटे छोटे प्यारे बच्चे सभी यहाँ पर होते हैं। ये देख लीजिए माशाल्लाह, ये सब बच्चे यहीं पर पढ़ाई करते हैं। ये पूरा एरिया सीसीटीवी प्रेमाइसिस में आता है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। इनके पूरे खाने पीने का, सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया जाता है। बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं यहाँ पर ये लोग। तो चलिए चलते हैं अंदर, और जिस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ और मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या खास चीज़ है, वो चीज़ हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके के पिलर्स हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे पिलर्स हैं ये। मैं आपको इस पिलर्स के बारे में बताना चाहूंगा गाइस। ये पिलर्स अगर आप देख रहे हैं तो ये पूरी तरह से सिंगल स्टोन पे बना हुआ पिलर है। अगर आप गौर से देखें तो ये पूरा सिंगल स्टोन पे बना हुआ पिलर है। अगर टॉप टू बॉटम अगर आप इसे देखो, पूरा टॉप टू बॉटम अगर आप देखेंगे तो ये सिंगल पिलर पे बना हुआ है, सिंगल स्टोन पे बना हुआ पिलर है। और ये पूरे पिलर्स पर ही मस्जिद ये खड़ी हुई है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कुछ एरियाज को इन्होंने जो है अभी रिनोवेट भी किया है, डेकोरेट कर रहे हैं, मगर पुराने जो हिस्टोरिकल चीजें हैं, जो इसकी खूबसूरती है, इसको उन्होंने वैसे ही कायम रखा है। कलरिंग वगैरह तो इसको कर दी गई है, मगर बाकी चीज़ें, टाइल्स वगैरह ये सब कुछ लगा दिया गया है, मगर मेन जो इसके पिलर्स है ये इसकी खूबसूरती है गाइस। आप देख सकते हैं ये जहां पर मेरा हाथ आप देख रहे हो, ये यहां से लेकर ये पूरा जो स्टोन है ये सिंगल स्टोन पे है। ये इस चमन मस्जिद की खासियत है गाइस, ये पूरे सिंगल स्टोन से बना हुआ। इस तरीके के स्टोन्स पूरे मस्जिद में आपको मिल जाएंगे। ये पूरे पिलर्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और साइज में हैं। आप यहां पर जरूर आए, इसको विजिट करें, इसको एक्सप्लोर करें। बहुत प्यारी मस्जिद है, बहुत प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह। यहाँ के बच्चे बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत पसंद आए। तो आप यहाँ जरूर आए, अपना वक्त दें। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं ये है चमन मस्जिद दारुल उलूम के बच्चे, बहुत ही प्यारे और फ्यूचर के उलमा हैं ये सब लोग, और हमारे मुस्तकबिल को बनाने वाले हैं माशाल्लाह से। ये इल्म और इस्लाम को पूरी दुनिया में इंशाल्लाह फैलाएंगे, दावत के काम को फैलाएंगे इंशाल्लाह। इन लोग के साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, चमन मस्जिद को एक्सप्लोर करके बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके की वीडियोस अगर आप चाहते हो तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर करें और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आएँ। और आपको बताना चाहूँगा कि इसी तरीके की वीडियोस और या अगर दिगर जगह की वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएं कि किस तरीके की और कैसी वीडियोस और कहाँ की वीडियोस चाहते हैं आप, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।